ओम श्री गणेश आय नम जय भोलेनाथ जय शिव शक्ति वेलकम बैक टू अवर चैनल आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जयमनाय साइन के लिए जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा एक जनरल रीडिंग है अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं आई वेलकम यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं आप चेकआउट कर सकते हैं एंड यस डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है सो लेट्स पे द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं जैमिन uh, आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स जय गुरु जी ओके री इन्वेंट योर सेल्फ एनर्जी आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन इज़ टेकिंग प्लेस अ चेंज इज़ टेकिंग प्लेस असर्ट योर सेल्फ ओके सो यहाँ पर हमारे पास गो फॉर वट यू वॉन्ट एंजल्स आर सेंग इट्स टाइम यू नो अब वो किसी भी वे में हो सकता है uh, कि आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं और एनी थिंग यू आर लाइक ट्राइंग टू यू नो मैनीफेस्टोर समथिंग लाइक डैट और विशिंग और प्रेइंग तो वो चीज़ पूरी हो सकती है ठीक है री इन्वेंट योर सेल्फ इन्जॉय न्यू लीज ऐसा लगता है कि जैसे नया साल शुरू हो रहा है वैसे ही कुछ चेंजेस हैं न्यू चेंजेस इन योर लाइफ अहेड ठीक है न्यू लीज ऑफ लाइफ जेलस एंड ऑफ कोर्स पीपल आर जेलस ऑफ यू सो वॉच कि आप किन के साथ यू नो डिस्कस करते हैं क्या कैसे सो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट बिकॉज वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि पीपल यू नो अपने सीक्रेट्स मत शेयर कीजिए बिकॉज ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं है आपको लग रहा हो शायद कि नो यू कैन ट्रस्ट है बट हो सकता है कि नो यू कॉन्ट बिकॉज ये लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं है सो so वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आप किसके साथ अपने सीक्रेट्स शेयर कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स इट्स टाइम टू कनेक्ट विद द नेचर आउटडोर कनेक्ट कीजिए नेचर से कनेक्ट कीजिए ठीक है सो दिस इज़ द ओवरऑल एनर्जी अब हम लव लाइफ की बात करेंगे फॉर ऑल द जयम आए कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके सो लव लाइफ में सो ऐसा लगता है जो करंट एनर्जी है दैट इज लाइक यू आर लाइक अ क्वीन ठीक है मेल फीमेल बट एनर्जी जो है वो ऐसी है लाइक आप यू नो अपने आप में सेल्फ वर्क कर रहे हैं यू आर इन रो जोन और आप वेट कर रहे हैं कि कोई आएगा तो आपकी तरफ अपने आप आएगा बिकॉज यू डिजर्व समथिंग गुड समथिंग बेस्ट यू नो बेटर नहीं बेस्ट तो so, वो चीज़ है यू वर्किंग ऑन योर स्टेबिलिटी ऑन योर ग्रोथ ऐसी वाली एनर्जी जब मैंने आपके लिए दिखाई दे रही है तो so, चलिए और देखते हैं आगे लव लाइफ की अगर बात करें तो वट कैन यू एक्सपेक्ट ओके सो येस एम्प्रेस एनर्जी आ रही है वाव एम्प्रेस एंड एम्प्रो सीम्स लाइक यू आर वेरी बैलेंस्ड इन योर अप्रोच आप अपनी अप्रोच में रिगा लाइक रिगार्डिंग रिलेशनशिप आप बहुत बैलेंस्ड हैं ठीक है uh, आपको लगता है कि यफ यू डिजर्व सम बन बेस्ट ठीक है जो आपको इक्वली मैच कर सके बट देयर इज सम ट्विस्ट मे भी हो सकता है आपके राउंड ऐसी एनर्जी है और uh, शिफ्ट है कोई है आपके राउंड या इट्स अबाउट जस्ट अ फीलिंग अ को डिपेंडेंट कनेक्शन आप यू नो कनेक्टेड हैं या किसी वे में आपके एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हैं किसी से जहाँ आपको लगता है कि नो no, इज़ इट वर्थ और इज़ इट नॉट ठ ठीक है ऐसा कुछ है आपके अराउंड और मे बी यू आर मैरिड और आपको लगता है कि नहीं थिंग्स आर नॉट वर्किंग या किसी के साथ हैं आप वो आपको इग्नोर कर रहे हैं यू नो दैट काइंड ऑफ अ कोल्ड एनर्जी कोल्ड वाइब्स ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है द मजिशियन एनर्जी समबडी इज़ मैनिफेस्टिंग यू बैक ठीक है दिस पर्सन इज लिटल ऑन लाइक ये ऑफ माइंड हो जाते हैं ऑफ़ ट्रैक हो जाते हैं इनको समझ नहीं आता हो सकता है ये मैरिड हो हो सकता है कि आपके स्पाउस हो हो सकता है कि चाह रहे हैं लेकिन अपने तरीके से आपको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं हो सकता है ये पर्सन बहुत सिक्रिएटिव है ठीक है कि बहुत कुछ है इनके माइंड में चल रहा है छुपा रहे हैं आपसे बातें वट दे वॉन्ट फ्रॉम यू आई थिंक दे वॉन्ट टू टेम यू दे वॉन्ट टू लाइक थ्री ऑफ सोर्ट्स पार्टी है या हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस हैं थर्ड यू नो थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है कुछ है चैलेंजेस दिस पर्सन इज़ वेरी स्लो वेरी वेरी स्लो ठीक है तो और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यू कैन एक्सपेक्ट अ टू ऑफ कप्स इसका मतलब ये है कि इन द फ्यूचर बहुत चांसेस है कि यू नो लाइक समबडी कमिंग टूवर्ड्स यू कोई आपकी तरफ आ सकता है यस yes, चीज़ें पिक हो सकती हैं मे बी आई डोंट नो देर इज़ कोई है अराउंड टू ऑफ कप्स जो आपको महसूस हो रहा होगा यस दिस इज़ योर ट्रू लव या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छी न्यूज़ है क्यों क्योंकि द काइंड ऑफ लव यू डिजर्व ठीक है वो आपकी लाइफ में आ सकता है ठीक है uh, जो आप चाह रहे हैं सो सिंगल्स के लिए तो बहुत अच्छी बात है टाइम स्टैंड कर लीजिए एंड फॉर अदर्स ठीक है मे uh, बी uh, कोई हो सकता है आपसे दूरी पे हो ठीक है आपसे कोई दूरी पे रहता हो और हो सकता है ये पर्सन जो है डिस्टेंस एट आर डिस्टेंस दे आर वाचिंग यू कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी आ रही है सो uh, so हो सकता है किसी के मन में और इसका मतलब ये भी होता है दैट वेरी लाइक यू नो ओवरवेलमिंग फीलिंग्स कोई है आपसे दूरी पे हो सकता है लॉट ऑफ फीलिंग्स लॉट ऑफ इमोशंस ठीक है आप लोगों के बीच में दूरी है और वो चीज़ है और शायद हो सकता है कि दे आर साइलेंट गिविंग यू आर साइलेंट ट्रीटमेंट चीज़ें अच्छी हो सकती हैं स्मूथ हो सकती हैं ठीक है बट अगेन आपको टाइम देना पड़ेगा बिकॉज सीम्स टू बी लाइक यू नो ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और हो सकता है कि फाइनली इट्स अबाउट यू नो आप इस शिफ्ट में से बाहर निकलें सिक्स ऑफ कप्स एनर्जी इट्स अबाउट यू नो Uh, या हो सकता है कि सोलमेट सोलमेट वाइब्स हमें दिखाई दे रही हैं चलिए और uh, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन करियर वाइज अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ करियर करियर वाइज आई थिंक अगेन गुड शिफ्ट गुड एनर्जी पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा टाइम है कुछ अपना कर रहे हैं तो अच्छा टाइम है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है ठीक है और योर हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ ऑनलाइन uh, कोई बिजनेस करते हैं फ्रूटफुल रह सकता है अच्छा रह सकता है आपके लिए जैसा जैसा चाह रहे हैं वैसा वैसा हो जाएगा अचीव कर सकते हैं आप इन दैट टर्म्स ओके सो सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी अगर करियर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है सम लाइक पॉजिटिव एन्वायरमेंट एट वर्क प्लेस कुछ सीख सक, सकते हैं कुछ नया कुछ कोर्स पिकअप कर सकते हैं यू कैन लर्न समथिंग यू कैन गाइड एज वेल कोई ऐसा काम है जिसमें आप गाइडेंस करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा है टीचर है लॉयर है हीलर है और एनी बड़ी सो अगेन अ गुड एनर्जी वेरी गुड एनर्जी फॉर ऑल द जेमना पीपल क्या गाइडेंस है ओके फर्स्ट गाइडेंस से पहले हम ये देखेंगे कि किस सेक्टर ऑन एनर्जी लेवल वट यू नीड टू वर्क ऑन ठीक है आपको किस चीज़ पर काम करने की जरूरत है सो दैट इन कैन हेल्प यू आउट ओ सो यहाँ पे एडवर्सिटी या एक्सेप्टेड चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न तो चैलेंजेस अगर आ रहे हैं तो उनसे सीखने की जरूरत है एंजल्स कह रहे हैं कि अगर कोई भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं इन रिलेशनशिप और करियर इसका मतलब ये है कि वो आपको कुछ सुख सिखाने के लिए आ रहे हैं तो घबराइए है मत इट्स टीचिंग यू समथिंग कुछ टीच कर रहे हैं आपको फ्रीडम आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस तो फील लाइक अ फ्री बर्ड ठीक है कि जैसे एक पंछी होता है ना सो so, uh, यू नो यू हैव दैट पावर एंड फ्री विल ठीक है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड मत कीजिए अपनी खुशियों के लिए खुद पे डिपेंड कीजिए ठीक है अगर आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी खुशी के लिए दैट मीन्स कि इंटरनली आप खुशी नहीं है ठीक है सो फाइंड हैप्पीनेस विद इन योर खुद में खुशी ढूंढिए. ओके सो क्या गाइडेंस है साइलेंस ओके इंज कह रहे हैं साइलेंस साइलेंस जो है ना अगर किसी का साइलेंस है या साइलेंट कोई ट्रीटमेंट दे रहा है और देने से साइलेंस अराउंड यू यू आर नॉट गेटिंग आंसर कोई जवाब नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये है दैट यू आर गेटिंग टाइम ठीक है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट खुद पे यू नो सेल्फ वर्क का बहुत अच्छा टाइम है वर्क ऑन योर सेल्फ गेयर अप राइज शाइन आपके जो एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं कोई नहीं सुन रहा डिवाइन सुन रहे हैं कोई कुछ नहीं कर रहा डिवाइन कर रहे हैं वर्क ऑन योर सेल्फ वर्क वर्क ऑन योर सेल्फ ओके खुद पे काम कीजिए मिसिंग पीसेस अपने आप जुड़ जाएंगे जो भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी दिक्कतें हैं जो भी कुछ खोया हुआ है जो भी कुछ यू नो एबसेंट है मिसिंग है सब कुछ अपने आप वापस आ जाएगा जो और उससे शायद बेहतर ही होगा ठीक है तो घबराइए मत कीप वर्किंग ऑन योर एंड और क्या है कि येस इन साइलेंस तो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम टिल देन टेक केयर